welcome my dear students in this session we'll be taking questions of logical reasoning that have appeared in csat examination in 2023 so to start the session and if you've not already connected on telegram telegram you can connect with me ऑन दाम चैनल यू कैन स्कैन द क्यू आर कोड और ज्वाइन कर सकते हो या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो एट ए डी आई टी वाई एके टी माई नेमित कुमार तिवारी एंड इफ यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल एंड नॉट येट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना शुरू करते हैं सेशन को और सेशन बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन को समझते चलना किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट हो बिकॉज टूटी का एग्जामिनेशन वॉज काफी सारे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे आए थे तो उनको समझना बहुत जरूरी है और देखो तो तो किसी भी एग्जामिनेशन में स्पेशली सीसीट एग्जामिनेशन जिस तरह का एग्जामिनेशन हो रहा है पिछले कुछ सालों में तो हमारे लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी कौन से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको की छोड़ना है स्किप मारना है दोनों तो बातें समझ में आनी चाहिए और वो आएंगी समझ में तभी जब बातों को समझते चलोगे ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन राज हैज राजन पेयर्स ऑफ रेड पेयर्स ऑफ वाइट एंड एट पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स राज के पास टेन पेयर्स ऑफ रेड शूज हैं रेड शूज के टेन पेयर्स हैं यानी कि कितने शूज होंगे रेड टेन इंटू टू ट्वेंटी होंगे ट्वेंटी तो शूज होंगे एक पेयर में दो शूज होंगे एक लेफ्ट हैंड का एक राइट right हैंड का और शू वाला क्वेश्चन जानबूझ के इन्होंने दिया है बिकॉज शू वाले क्वेश्चन में एक और पिक होता है कि लेफ्ट हैंड वाला जो लेफ्ट वाला जो शू होगा वो राइट वाले पैर में तो पहन नहीं पाओगे राइट वाला शू लेफ्ट वाले पैर में नहीं पहन पाओगे तो ये बात भी ध्यान रखनी है ठीक है अब क्वेश्चन को रीड करते हैं रीड करने के बाद में पॉज करके पहले तुम खुद से सॉल्व करना इसके बाद में सॉल्यूशन देखना तो टेन तो पेयर्स हैं रेड शूज के नाइन पेयर्स हैं वाइट शूज के यानी कि वाइट शूज हैं हमारे पास एटीन और फिर एट पेयर्स हैं ब्लैक शूज के यानी कि ब्लैक शूज हो जाएंगे सिक्सटीन टोटल नंबर ऑफ शूज कितना होगा एटीन प्लस थर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फिफ्टी फोर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट रैंडमली पिक कर रहा है यानी कि कमरे में अंधेरा है समझ लो अंधेरे में कमरे में से वो शूज उठा उठा के पिक कर रहा है ठीक है फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर उसको क्या चाहिए एक रेड पेयर ऑफ शू चाहिए पहनने के लिए तो वट इज द मैक्म नंबर ऑफ ही हैज टू मेक मैक्सिमम क्या अटेम्प्ट होगा जिससे कि फॉर श्योर उसको एक रेड पेयर ऑफ शू मिल जाएगा रेड पेयर ऑफ शू को मिलने का मतलब क्या हुआ पेयर तो तब बनेगा जब लेफ्ट शू भी मिल जाए और राइट शू भी मिल जाए लेफ्ट भी रेड हो राइट भी रेड हो है कि नहीं तभी तो पेयर बनेगा क्या बात समझ में आती है तो हम ऐसे केसेस में क्या लेंगे कि सबसे वर्स्ट केस सीनारियो लेंगे जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ऑलवेज रिमेंबर टेक वर्स्ट केस सिनारियो वर्स्ट केस सीनारियो का मतलब क्या सबसे खराब क्या हो सकता है सबसे खराब ये हो सकता है कि वो बेचारा शूज को लेना शुरू करे और उसके हाथ में एक भी रेड शू ना आए क्योंकि वो तो अंधेरे में अंधेरे कमरे से बाहर ला देख रहा है तो ब्लैक शू निकल रहा है व्हाइट शू निकल रहा है रेड नहीं आ रहे उसके पास तो वर्ष के सिनारी में क्या होगा कि पहले थर्टी फोर शूज क्योंकि 16, 18 plus 16, 34 shoes है तुम्हारे नॉट रेड नॉट रेड वाले तो पहले थर्टी फोर शूज उसने निकाले ये सारे के सारे उसके व्हाइट और ब्लैक आए रेड एक भी आया ही नहीं व्हाइट आ गया या फिर ब्लैक आ गया ठीक है थर्टी फोर शूज उसने निकाल लिए अब जितने बचे हैं वो सारे के सारे रेड बचे हैं ठीक है अब जितने बचे हैं वो सारे के सारे रेड बचे हैं तो क्वेश्चन आंसर करने में जल्दबाजी करोगे तो कर सकते हो कि अब तुम दो शू निकालोगे दोनों के दोनों रेड आएंगे उसको मिल गया एक पेयर उसको एक पेयर मिल गया और आंसर हो गया थर्टी सिक्स है कि नहीं बट गलती यहां पे क्या हो जाएगी गलती ये हो जाएगी कि अब ये जो दो मिले हैं क्योंकि अभी भी किस्मत उसकी खराबी है तो हो सकता है दोनों के दोनों लेफ्ट पैर के शू मिल जाए अब दोनों अगर लेफ्ट पैर के शू मिलेंगे तो उसका पेयर तो नहीं बनाना एक ही पैर के शूज़ मिले तो पेयर भी तो बनना चाहिए यानी कि हमारा अभी भी कुछ क्वेश्चन बाकी है अभी भी क्वेश्चन बाकी है मुश्किल सवाल है फंस जाओगे गलत कर दोगे ठीक है तो अभी और क्या करना है उसको अभी भी हमें वर्स्ट के स्नारियो ही लेके चलना है और क्या है थर्टी तो सारे के सारे व्हाइट और ब्लैक फिल करके अब बचेंगे सिर्फ सिर्फ रेड और रेड है टोटल टेन पेयर्स यानी कि अभी भी सबसे खराब कंडीशन में क्या होगा कि तुमने उसने दस शू और निकाले बट सारे के सारे एक पैर के शूज हैं तो सारे के सारे या तो लेफ्ट पैर के शूज हैं ठीक है और या फिर राइट right पैर के शूज़ हैं बट सारे एक पैर के शूज हैं तो टेन शूज ऑफ वन लेग निकला है अब जब वो इलेवंथ शू निकालेगा अब जब वो एक्स्ट्रा शू निकालेगा तो अब सारे के सारे शू अगर लेफ्ट वाले पहले निकल चुके हैं टेन तो अब राइट right वाला ही बचाए अब राइट right वाला ही बचे तो अब जो इलेवेंथ शू निकलेगा यानी कि अब जो एक और एक्स्ट्रा शू निकालेगा वो पक्का राइट पैर का होगा तो अगर पहले टेन लेफ्ट के निकले थे तो ये राइट right वाला है पहले टेन लेफ्ट राइट के निकले थे तो ये लेफ्ट वाला है तो डेफिनेटली अब उसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा ये वन निकालते ही उसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा

तो डेफिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वर्ष के सुनारी लेना पड़ेगा कि सबसे खराब किस्मत होगी कि तब भी पक्की बात है कि वो फोर्टी फाइव शू निकालेगा तो उसका एक रेड पेयर हो जाएगा ठीक है क्लियर है और क्वेश्चन भी वैसे ही करें ना वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटम्प्ट मैक्सिम कितने फोर्टी फाइव अटेम्प में तो पक्का हो जाएगा फोर्टी फाइव में तो पक्का हो जाएगा उसके बाद तो चांस बचता ही नहीं है कि तब भी ना हो ठीक है ओके okay? दूसरा मेथड क्या हो सकता है टोटल फिफ्टी फोर है और उसको एक रेड पेयर चाहिए एक रेड पेयर चाहिए ठीक तो है तुम एक पैर वाले सारे के सारे शूज को सेपरेट कर लें तो टेन शूज को सेपरेट कर लो फिफ्टी फोर में से टेन सप्लाई कर दो ये टेन कौन से हैं रेड वाले वो शूज हैं किसी भी एक पैर के शूज ऑफ वन लेग ठीक है इन टेन सप्लाई कर दिया फोर्टी फोर शूज उसने निकाल लिए बट अभी रेड पेयर कैसे कंप्लीट हो गए क्योंकि एक लेग के तो सारे के सारे तुमने बचा के रखे हुए ठीक है तो तुम सिर्फ इतना करोगे कि एक और एड कर दोगे जैसे ही फोर्टी फोर प्लस वन किया तुम्हारा पेयर कंप्लीट हो गया रेड वाला ये ज्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेट अवे पहले सारे के सारे टेन रिमूव कर लिए एक पैर के कि उसका पेयर कभी कंप्लीट ना हो पाए फोर्टी फोर उसने निकाल लिया पेयर कंप्लीट हुआ ही नहीं क्योंकि वो टेन तो अलग ही रखे हुए थे या उसके निकले ही नहीं फिर वन ऐड कर दोगे फोर्टी फोर प्लस वन हमारा फोर्टी फाइव आंसर आ जाएगा ठीक है तो ऐसे भी सोच सकते हो जो पहले लंबा तरीका सोचा वैसे भी सोच सकते हो बेटर क्या होगा सेकंड वाले मेथड से सोचो बट जो भी समझ में आए एग्जाम में कई बार हो सकता है कि सेकंड वाला मेथड क्लिक ना करे तो पहला समझ में आए ठीक है क्लियर है दोनों बातें एक ही है सोलूशन समझ में आना चाहिए

फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव का बनेगा यानी कि एक साइड में फाइव क्यूब्स होंगे सो ठीक है थोड़ा सा अपने लिए डायग्राम बना लेते हैं ई डी डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे बट ओ डी बना लेंगे तो उससे ही बात समझ में आ जाएगी फाइव क्रॉस फाइव का बनाना है ठीक है मेरे जो क्यूब्स बनेंगे उनका थोड़ा सा साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है कि मैनोली बना रहा रहे बात को समझ लेना ठीक है तो हमने एक फेस बनाया है फाइव क्रॉस फाइव का और बाकी ऐसे ही आ, बाकी साइड्स में भी कंटिन्यू करेगा ठीक है हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड ऐसे कितने क्यूब होंगे जो कि बाकी क्यूब से हर एक साइड में सराउंडेड हो यानी कि जो सबसे अंदर वाले क्यूब्स हो अंदर वाले क्यूब्स कितने होंगे कि जो एक भी साइड में देखे मान लो उस क्यूब में तुम बैठे हुए हो तो तुमको बाहर नहीं दिखेगा क्योंकि तुम बाकी क्यूब से ढके हुए हो है कि नहीं तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे यह हमें निकालना है ठीक है तो ऐसा समझो इस फेस में हम सिर्फ देखते हैं टोटल कितने क्यूब्स हैं फाइव क्यूब्स हैं हॉरिजॉन्टली और फाइव क्यूब्स हैं वर्टिकली अब अगर तुम इस क्यूब को ऑब्जर्व करो ठीक है इस वाले क्यूब को तो ये क्यूब हमारा ढका हुआ है चार साइड में है कि नहीं और क्योंकि हमने एक फेस में देखना है अगर ये और अंदर की तरफ होता अगर ये और अंदर की तरफ होता तो बाहर के साइड में भी ढका होता उस साइड में भी ढका होता यानी कि ये हर साइड में ढका होता क्या ये बात समझ में आ रही है क्या बात क्लियर हो रही है ठीक है तो अभी सिर्फ और सिर्फ अगर तुम इस फेज में देखते हो तो ये कितने क्यूब होंगे हमारे जो कि सारे साइड में ढके हुए हैं अभी हम सिर्फ दो साइड में देख रहे हैं ठीक है तो बेसिकली हमारे कितने क्यूब्स निकले हैं थ्री क्रॉस थ्री फाइव क्रॉस फाइव का फेस है और थ्री क्रॉस थ्री हमारे यानी कि नाइन क्यूब्स ऐसे आए ट्वेंटी फाइव में से जो कि दो साइड से सराउंडेड है दो साइड से सराउंडेड है और अगर यही नाइन क्यूब हमारे एक फेस अंदर होते अंदर की तरफ होते तो बाकी साइड से भी सराउंडेड होते बेसिक बात समझने की यह है कि अगर हमारा एन क्यूब क्यूब्स हैं उनमें से एन माइनस टू का होल क्यूब वो हमारे क्यूब्स होंगे जो कि हर साइड से सराउंडेड होंगे और क्यों होगा ऐसा बिकॉज एक साइड से ऊपर सराउंड होना एक साइड से नीचे सराउंड होना एक साइड से लेफ्ट में एक से राइट में और एक से इधर और एक से उस साइड में तो हर एक डायमेंशन में हमें दो क्यूब सब करने पड़ेंगे सो एन माइनस टू का होल क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा ठीक है ये तब है जबकि क्यूब्स हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा थ्री का होल क्यूब विच इज ट्वेंटी सेवन ठीक है बट ऐसा भी हो सकता था क्यूबॉइड शेप होता क्यूबॉइड होता लेट अस से हमारा क्यूबॉइड होता फाइव क्रॉस थ्री क्रॉस फोर ये क्यूबॉइड का शेप है तो भी हम यही करते हैं हर एक में बस टू सप्रैक कर दोगे तो फाइव माइनस टू यानी कि थ्री आ जाएगा थ्री माइनस टू यानी कि वन आ जाएगा और फोर माइनस टू यानी कि टू आ जाएगा तो टोटल हमारे सिक्स क्यूब्स ऐसे आएंगे जो कि हर साइड से सराउंडेड होंगे क्यूबर्ड में भी हमें यही करना है कि ए माइनस टू इंटू बी माइनस टू इंटू सी माइनस टू अगर ए बी सी डायमेंशन है ए माइनस टू इंटू बी माइनस टू इंटू सी माइनस टू ये हमारा आंसर आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ सेन फिर एक साइन बना है प्लस टाइप का सेवन प्लस नाइन प्लस टेन दैट इजो टू एट नाइन प्लस एलेवन प्लस थर्टी दैट इजो टू फाइव इलेवन प्लस इज इको टू थर्टीन वैल्यू ऑफ ट्वेंटी थ्री प्लस फोर प्लस फिफ्टीन का वैल्यू क्या होगा ओके okay. अब यहां पे हमें रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप बन क्या रहा है हमारा सेवन नाइन और टेन का वैल्यू आ रहा है एट और सेवन प्लस नाइन होगा सिक्सटीन प्लस नाइन होगा ट्वेंटी सिक्स ठीक है ट्वेंटी सिक्स आ रहा है वैल्यू और ये ट्वेंटी सिक्स के लिए रिजल्ट हमें क्या दिया है एट दिया हुआ है रिजल्ट एट दिया हुआ है टू प्लस सिक्स एट है शायद सम ऑफ डिजिट्स हो सकता है या कोई और कनेक्शन भी हो सकता है चेक करते हैं बाकी ऑप्शंस में नाइन थर्टी दैट इज इक्वल टू फाइव ठीक है दिस इज इक्वल टू फाइव तो नाइन प्लस इलेवन कितना आ रहा है ट्वेंटी प्लस थर्टी आ रहा है फिफ्टी और रिजल्ट है फाइव यानी कि सम ऑफ डिजिट ही है शायद यहाँ भी मैच कर रहा है लास्ट केस भी देख लेते हैं इलेवन सेवनटीन ट्वेंटी वन और रिजल्ट आ रहा है थर्टीन इलेवन प्लस सेवनटीन आ रहा है ट्वेंटी एट प्लस इलेवन फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन फोर प्लस नाइन इज थर्टीन तो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स ही है डेफिनेटली तो रिजल्ट क्या ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ट्वेंटी ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर होगा क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्स कंटेन्स फोर्टीन ब्लैक बॉल्स ट्वेंटी ब्लू बॉल्स ट्वेंटी सिक्स ग्रीन बॉल्स ट्वेंटी एट येलो बॉल्स थर्टी एट रेड बॉल्स एंड फिफ्टी फोर व्हाइट बॉल्स तो बॉक्स में फोर्टी तो ब्लैक बॉल्स है ब्लू बॉल्स है ट्वेंटी सिक्स ग्रीन बॉल्स ट्वेंटी एट येलो बॉल है थर्टी एट रेड है और फिफ्टी फोर व्हाइट है टोटल बॉल्स कितना हो गया ऐड कर लेते हैं टोटल बॉल्स कितना आ गया फोर्टीन प्लस ट्वेंटी आया थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स आया सिक्सटी सिक्सटी प्लस ट्वेंटी एट एटी एट

सबसे खराब किस्मत होगी तो क्या होगा कि उसने बहुत सारी बॉल्स तो निकाल ली बट उसके बाद भी हर एक कलर की उसकी एक एक बॉल रह गई यानी कि उसका कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन कोई भी ग्रुप उसका कंप्लीट नहीं हुआ ठीक है कब ऐसा होगा हम हर एक कलर की तुम क्या करो एक एक बॉल को पहले रिमूव कर दो ठीक है ये हमने अलग रख दी जैसे ही तुमने एक एक बॉल रिमूव कर दी कितने कलर हैं सिक्स कलर है तो वन एट्टी माइनस सिक्स यानी कि वन सेवेंटी फोर बॉल्स से। है अब इन वन सेवेंटी फोर में से सारी की सारी बॉल भी वो पिक कर लेगा तो भी हर एक कलर की एक एक रह जाएगी ठीक है बेसिकली यही हुआ उसकी किस्मत इतनी खराब थी उसने वन सेवेंटी फोर बॉल्स पिक की बट तब भी हरे कलर की एक एक, एक बॉल रह रहेगी यानी कि उसका कोई भी ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ तो वन सेवेंटी फोर बॉल्स निकालने के बाद ही कोई ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन जैसे ही अब अगली बॉल निकालेगा क्योंकि तो अगली बॉल इन सिक्स में से ही कोई एक होगी इन सिक्स में से ही कोई एक होगी तब उसका एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा ठीक है कम से कम एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा कम से कम एक कलर की सारी बॉल्स उसके पास आ जाएंगी क्या बात कह रहे हैं तो आंसर आ जाएगा वन सेवेंटी फाइव ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि वन सेवेंटी फाइव बॉल्स निकाल लेगा तो एक कलर का पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा हाँ अगर दो कलर का ग्रुप पूछता है तो एक और बॉल निकाल लेता दो कलर का कंप्लीट हो जाता है ठीक है वन सेवेंटी सिक्स पर दो कंप्लीट हो जाते वन सेवेंटी सेवन पर थ्री कंप्लीट हो जाते तो जितने भी कहने को करता उस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते थे क्योंकि हो सकता है अगले साल एग्जामिनेशन में आए तो दो कलर के लिए पूछ ले क्वेश्चन ठीक है तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक कलर कंप्लीट होने के लिए वन सेवेंट फाइव चाहिए वन सेवेंटी फोर कैसे आ रहा है हमने पहले हरे कल हर एक कलर का या हर एक ग्रुप का एक एक बॉल रिमूव कर दिया था और फिर बाकी का टोटल कर लिया तो 174 आया अब जब अगली बॉल वो निकालेगा तो फिर जो बची हुई उनमें से ही कोई एक निकालेगा तो कोई ना कोई ग्रुप तो कंप्लीट होगा कौन सा कंप्लीट होगा ये मैटर नहीं करता बट कोई तो पक्का कंप्लीट होगा ठीक है ओके okay. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं सेकंड कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट एनी बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर अगर हम एम बॉल्स ले रहे हैं तो हर एक कलर की कम से कम एक बॉल जरूर आनी चाहिए हर कलर की कम से कम एक बॉल जरूर आनी चाहिए और ऐसा सबसे छोटा नंबर कितना है 167. हर कलर की कम से कम से एक बॉल जरूर हो ठीक है तो वर्स्ट के सिनारियो यहां पर भी लेना पड़ेगा हमको सबसे खराब किस्मत होगी तो क्या होगा अब देखो जब भी हमें ऐसा करना है कि हर कलर की कम से कम एक बॉल आए तो हमें कोई एक कलर की सारी की सारी बॉल को रिमूव करके मैक्सिमम नंबर कितना आएगा ये देखना है वेरी इंपॉर्टेंट फिर से मेरी बात को समझो और सुनो कोई एक कलर को रिमूव करने के बाद मैक्सिमम कितना बचेगा यानी कि मैक्सिमम वो सारी की सारी बॉल निकाल दें इसके बाद भी एक कलर की एक भी बॉल ना आए ठीक है ये कब होगा जबकि एक हम कलर वाला ग्रुप को रिमूव कर दें एक कलर की सारी बॉल्स को रिमूव कर दें तब भी हमारा जो नंबर ऑफ बॉल्स जो निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम आए वो मैक्सिम है।, है वो कब आएगा जब जिस कलर की बॉल्स को हम निकाल रहे हैं रिमूव कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं बाकी सब निकाल रहे हैं ठीक है था था तो वो मिनिमम हो मतलब ये हुआ वन एटी बॉल्स है अब मान लो उसने ठीक है हम इसमें से रिमूव कर दें फिफ्टी फोर को क्योंकि फिफ्टी फोर व्हाइट बॉल्स है तो बच कितनी गई वन ट्वेंटी सिक्स अब अगर वो सारी की सारी वन ट्वेंटी सिक्स बॉल निकाल लेगा सारी वन ट्वेंटी सिक्स बॉस को अगर वो निकाल लेगा तब भी उसकी वाइट तो एक भी नहीं आएगी वाइट बॉल तो एक भी नहीं आएगी क्योंकि बाकी बची हुई सारी निकाल ली उसने ठीक है लेकिन जैसे ही वन ट्वेंटी सेवन निकालेगा तो पक्की बात है कि अब वन ट्वेंटी सेवन बॉल्स में उसकी एक वाइट बॉल होगी वाइट तो जरूर होगा ठीक है वाइट तो जरूर होगा क्या ही बात समझ में आता है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं कि ये हमने तब केस लिया जबकि उसकी व्हाइट कलर की एक ही बॉल हुई लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि व्हाइट कलर की सारी की सारी बॉल्स होती ठीक है तो क्या उस केस में हमारे सारे कलर की बॉल्स आ रही है कि नहीं आ रही है ये हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे पता पड़ेगा ठीक है तो इसलिए ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे हम उस कलर को चूज करते हैं जिसकी बॉल सबसे कम है सबसे कम है और वो कलर हमारा है ब्लैक ब्लैक कलर की सिर्फ 14 बॉल्स है यानी कि 180 एटी माइनस फोर्टीन कर दो तो अगर हम 166 बॉल्स निकाल लेते हैं ब्लैक के अलावा सारी बॉल्स हमने निकाल ली तब भी हमारी ब्लैक की जीरो है जीरो ब्लैक बॉल्स है खराब किस्मत होगी तो वन सिक्स निकालने के बाद भी ब्लैक बॉल एक भी नहीं होगी बाकी सारे कलर की बॉल तो आ गई बट ब्लैक बॉल एक भी नहीं आई तो जैसे ही तुम नेक्स्ट बॉल निकालोगे तो अब श्योर है कि ब्लैक बॉल तुम्हारी आ जाएगी यानी कि अब सारे कलर की बॉल्स आ जाएंगी ऑल कलर बॉल्स आर देयर फॉर श्योर क्या बात समझ में आती है ठीक है और क्योंकि यहां पर यह श्योरिटी है देखो तो इस केस में डिफरेंस क्या था जब यहां पे हमने 126 वाला बात किया क्योंकि यहां पे हमने मैक्सिमम कलर वाला रखा था तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही केस बने केस ऐसा भी बन सकता था कि 127 ट्वेंटी सेवन बॉल्स तुमने निकाली और उसमें से 54 वाइट व्हाइट हो तो बाकी कलर की कुछ कुछ हो और फिर भी तुम्हारे कुछ कलर मिस हो जाए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ताकि बेहतर समझ में आए फिफ्टी फोर तुम्हारी वाइट आ गई ठीक है और थर्टी एट आ गई रेड और ट्वेंटी एट आ गई येलो कितनी बच गई फिफ्टी फोर प्लस थर्टी एट आ गया एट्टी नाइनटी टू नाइन्टी टू और वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी बॉल्स तो यहीं खत्म हो गई अब सेवन बॉल्स और बच गई है वो तुमने निकाल ली मान लो ग्रीन कलर की तो अभी भी तुम्हारी ना तो कोई ब्लू आई है जीरो ब्लू आई है और जीरो ब्लैक आई है तो वन ट्वेंटी सेवन बॉल्स निकालने के बाद भी ना तो कोई ब्लू बॉल आई ना तो कोई ब्लैक बॉल आई क्योंकि वन ट्वेंटी सेवन हमारा जो नंबर आ रहा है ये तुम सबसे बड़े कलर वाले को रिमूव करके निकाल रहे थे तो ये प्रॉब्लम है इसमें इसलिए ये सही अप्रोच नहीं होगा बेटर अप्रोच क्या होगा यह बेस्ट अप्रोच क्या होगा या अप्रोच ही क्या होगा अकेला अप्रोच क्या होगा क्योंकि एक ही अप्रोच है कि तुम जो सबसे कम वाला ग्रुप है सबसे छोटा ग्रुप है उसको हटा लो

कभी कभी ऐसा होता है कि देखो मुझे पता है तुम्हें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ, आ सकती है बट इसके बाद भी कई बार होता है कि कोई यूनिक डाउट भी हो सकता है तुम्हारा तो कमेंट में एक बार अपना डाउट जरूर मेंशन करना और उससे क्या होगा तुम्हारा खुद का डाउट तो रिजॉल्व हो होगा ही होगा बट साथ में और भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका वो डाउट हो उनका भी रिजॉल्व हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया इफ जीरो इज रिटर्न एज सी एच यू आर देन हाउ इज प्लेयर रिटर्न तो जीरो को हम कैसे लिख रहे हैं सी एच यू आर कोडिंग कर रहे हैं जीरो का ठीक है तो Z की कोडिंग हो रही है C यानी कि हम थ्री लेटर्स आगे जा रहे हैं ई e की कोडिंग हो रही है H एफ जी एच तीन लेटर आगे जा रहे हैं R की हो रही है U एस टी यू तीन लेटर आगे जा रहे हैं O पी क्यू आर यानी कि O में भी तीन लेटर आगे तो बेसिकली हमें हर एक में क्या करना है थ्री लेटर्स आगे जाना है ठीक है तो प्लेयर की कोडिंग भी कर सकते हैं बस तो कोडिंग में क्या करना है थ्री लेटर्स आगे जाना है और कुछ नहीं करना तो पी प्लस सी क्या आ जाएगा क्यू आर एस एल प्लस थ्री एम एन ओ ए प्लस थ्री डी प्लस जेड ए बी ई प्लस एच और आर प्लस यू ठीक है तो बन गया एस ओ डी बी एच यू ऑप्शन डी आंसर आ गया ऑप्शन डी आंसर आ गया बट इस क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और क्वेश्चन जब मुश्किल होगा तो ये थोड़ा सा आसान वाला चीज तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगा उस अप्रोच को समझते हैं ठीक है ये क्या अप्रोच होगा पैटर्न तो हमें दिख गया प्स थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस प्लस कि सारे के -कि सारे नंबर्स में क्या है पैटर्न एक्जैक्टली सेम है इवन हो ऑड हो वॉवल हो कॉन्सनेट हो सब में पैटर्न सेम है ठीक है तुम तुम स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हो कि तुम देखो पहले वाले में जीरो में क्या आ रहा है जीरो में ई e और आर आ रहा है और ई e और आर का कोडिंग क्या हुआ है ई e और आर का कोडिंग हुआ है एच और यू प्लेयर में भी आ रहा है ई e और आर कोडिंग एच और यू होना चाहिए और एच और यू कोडिंग सिर्फ और सिर्फ डी में है यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब पहले तुमने पैटर्न को देख लिया क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक में प्लस वन हो एक में माइनस वन हो अल्टरनेट प्लस माइनस हो ठीक है या पहले प्लस वन हो फिर प्लस टू हो फिर प्लस थ्री हो फिर प्लस फोर हो तो हमेशा पैटर्न पहले देखोगे अगर पैटर्न कंसिस्टेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड तब डेफिनेटली ये अप्रोच से तुम क्वेश्चन को फट से सॉल्व कर दोगे ठीक है फिर दूसरे वाले को रिकॉर्ड नहीं करना है या कोड नहीं करना है उसको सीधे सीधे आंसर दिख जाएगा तुमको अगर लेटर्स कुछ भी कॉमन है तो जैसे यहाँ पे ई और आर कॉमन थे तो हमने सॉल्व कर लिया ठीक है ओके बड़ा टाइम तो बचता है ना गलती होने का स्कोप भी बचता हो सकता है तुम तो कोडिंग करते हुए कि कहीं पे प्लस थ्री के बजाय प्लस फोर या प्लस टू कर देते तो वो तुम्हारा एरर बच जाएगा इसलिए ये अप्रोच समझना जरूरी है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फिर हमें बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिमाइंड द ओल्डेस्ट पर्सन पर्स यानी कि मिनिमम कितने स्टेटमेंट हमें चाहिए जिनसे कि हमें डिमाइंड कर पाए कि ओल्डेस्ट पर्सन या फिर पर्सन कौन होगा ठीक है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे कौन से स्टेटमेंट नेसेसरी है कौन से स्टेटमेंट को रिमूव किया जा सकता है यह A is older than B. A B older है ए इज ओल्डर देन बी ए तो बी से ओल्डर है ठीक है सी और डी की एज सेम है ओके ई यंगेस्ट है ई e यंगेस्ट है क्वेश्चन है क्या पूछा है ओल्डेस्ट पूछा है तो ई e तो यंगेस्ट है एफ इज यंगर देन डी ठीक है एफ यंगर देन डी है और एफ ओल्डर देन ए है एफ हमारा अब हम ऑर्डर में लगाते हैं जो सबसे ऊपर होगा उसकी ये सबसे ज्यादा मान लेते हैं ऊपर होगा ओल्डेस्ट और नीचे रखेंगे यंगेस्ट को ठीक है तो एफ इज ओल्डर देन ए ठीक है तो ए को एफ से नीचे रख दिया और एफ इज यंगर देन डी यानी डी को हमें एफ से ऊपर रखना पड़ेगा फिर सी और डी सेम एज के हैं तो डी और सी तो सेम एडेस्टल पे आ जाएंगे सेम जगह पे आ जाएंगे ए इज ओल्डर देन बी तो यानी कि ए को बी से ऊपर रखेंगे और फिर ई e यंगेस्ट है तो ई e को सबसे नीचे रखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ओल्डेस्ट हमारे कितने हैं कौन है सी और डी है सी और डी है तो सबको मिला के तो हमने सॉल्व कर लिया सबको मिला के सॉल्व कर लिया ठीक है अब देखते हैं स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं आंसर हमारा क्या है? C D आया सी और डी आया ठीक है अगर हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट को रिमूव कर दें मान लो तो क्या चलेगा हमारा आंसर आ पाएगा सी और डी बिकॉज किसी भी और स्टेटमेंट में सी या डी की बात डी की बात तो की गई है फोर्थ स्टेटमेंट में बट सी की बात कहीं पर भी नहीं की गई तो हमें सी की एज के बारे में पता ही नहीं है हो सकता है सी की एज सबसे ज्यादा हो अगर सेकेंड स्टेटमेंट को हम ना नाम करें हटा दें तो सी की एज के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा हो सकता है सी की एज मैक्सिम सीओडी स्टेटमेंट में तो, तो डेफिनेटली सेकंड वाला स्टेटमेंट तो नेसेसरी है इसको रिमूव नहीं कर सकते ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ए इज ऑर्डर देन बी और ए और बी के बारे में कहीं और पे बात किया गया क्योंकि अगेन अगर हम पहला स्टेटमेंट रिमूव कर देते हैं तो बी के बारे में पता नहीं चल पाएगा क्योंकि तो बी किसी भी और स्टेटमेंट में नहीं है तो बी के बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा अगर बी के बारे में पता करना है क्योंकि हमें जानना है कि ओल्डेस्ट कौन है यंगेस्ट जानना होता तब तो, तो अकेला थर्ड स्टेटमेंट ही काफी था बाकी सबको रिमूव कर दो बट ओल्डेस्ट जानने के लिए ए और बी का कनेक्शन भी जानना जरूरी है क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर नहीं बन पाएगा अगर मान लो कि हम बाकी स्टेटमेंट को लेते और पहले स्टेटमेंट को रिमूव कर दें पहले स्टेटमेंट को रिमूव कर दें तो हम बाकी सबको तो पता लगा लेंगे बट बी कहाँ पे आएगा ये पता नहीं लगा पाएंगे ये पता नहीं लगा पाएंगे और क्योंकि ये पता नहीं लगा पाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली हमें डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा डेफिनेटली हमको पहला वाला स्टेटमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा वो स्टेटमेंट भी नेसेसरी है अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं थर्ड कह रहा है ई e यंगेस्ट है थर्ड कह रहा है e youngest है ई अगर हम थर्ड वाले स्टेटमेंट को रिमूव कर दें तो हमें यह नहीं पता चलेगा ई e के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट के अलावा ई e के बारे में कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई है तो यह पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं थर्ड को रिमूव कर दिया हमें तो नहीं पता ई कहां पे आएगा हो सकता है ई की ई की एज ही मैक्सिमम हो ठीक है तो थर्ड स्टेटमेंट ही तो बता रहा है कि ई की एज यंगेस्ट है यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में नेसेसरी है नेसेसरी है तुम्हें तो इसी रीजनिंग के साथ में पता लगाना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी है और कौन सा नहीं है क्या ही बात क्लियर है ठीक है यानी कि डेफिनेटली हमें थर्ड स्टेटमेंट भी चाहिए उसको निगेट नहीं कर सकते उसको हटा नहीं सकते हैं तो ये भी नेसेसरी स्टेटमेंट है फोर्थ एफ इज यंगर देन डी ठीक है तो एफ हमारा फोर्थ में भी आ रहा है और फिफ्थ में भी आ रहा है अगर हम फोर्थ को रिमूव कर दें कि एफ इज यंगर देन ए इसको हमने रिमूव कर दिया हमें यह पता है कि एफ ओल्डर देन ए है तो फोर्थ को रिमूव करने के बाद भी हमको ये तो पता रहेगा एफ इज ओल्डर देन ए तो एफ की एज ए से बड़ी है लेकिन यंगर देन डी है नहीं है डी से कनेक्शन तो नहीं पता पड़ेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एफ यहां की बजाय यहां हो अब भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फोर्थ स्टेटमेंट को रिमूव करने के बाद में हमारा आंसर क्या आ जाएगा एफ जो कि गलत आंसर होगा गलत आंसर होगा है कि नहीं सही आंसर भी तो निकालना है भाई आंसर कुछ भी थोड़ी निकालना है एक्चुअल में जो ओल्डेस्ट होगा वही तो निकालना है तो डेफिनेटली जैसे ही तुम फोर्थ स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हो तुम्हारा आंसर गलत आ सकता है या तो एफ यहां पे आएगा उस केस में या फिर एफ यहां पे आएगा कहां पे आएगा हमें पता नहीं है यहां भी आ सकता है बराबर भी हो सकता है ठीक है तो डेफिनेटली फोर्थ स्टेटमेंट भी नेसेसरी है नेसेसरी है उसको रिमूव नहीं कर सकते इस तरह से ठीक है रिमूव नहीं कर सकते तो वो भी नेसेसरी है इसको रिमूव नहीं किया जा सकता अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की पहले एफ को लिख दे फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है एफ इज ओल्डर देन ए सेम लॉजिक से जैसे हमने फोर्थ को बताया कि नेसेसरी ये सेम लॉजिक है फिफ्थ के लिए भी कि अगर फोर्थ को फिफ्थ को हटा दे रहे हो फिफ्थ को हटा देने से क्या हो जाएगा कि एफ डी से यंगर है ये तो पता है हमको बट ए के बारे में कोई बात है ए ओल्डर देन बी है ये हमें पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है बट कितना ओल्डर है कितना बड़ा है ये तो नहीं पता चल रहा है तो ए हमारा यहाँ भी हो सकता है उस केस में और टॉप पे भी हो सकता है तो डेफिनेटली हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट भी नेसेसरी है सारे स्टेटमेंट नेसेसरी है एक भी स्टेटमेंट हटा दोगे तो हमें आंसर नहीं आ पाएगा यानी कि ऑल फाइव आर नेसेसरी तो ऑप्शन डी आंसर होगा बहुत ही अच्छा सवाल था और यह बात समझ में आनी चाहिए पहले हमने इसको सॉल्व किया फिर आइडेंटिफाई किया कौन सा नेसेसरी होगा ठीक है तब समझना ज्यादा आसान होगा बजाय कि पहले तुम तीन स्टेटमेंट कोई चूज करो कौन से तीन चूज करोगे कैसे पता कौन से चार चूज करोगे कैसे पता ठीक है दैट इज वाइट फिर हमने पहले सॉल्यूशन किया और फिर उसके बाद में रिमूव करके देखा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लगेगा और बहुत आसानी से ये बातें समझ में आएगी क्वेश्चन कह रहा है हमारा देर आर फाइव मेंबर्स ए बी सी डी ई इन ए फैमिली एक फैमिली में फाइव मेंबर्स है ए बी सी डी ई और क्वेश्चन पूछ रहा है ई e और बी का रिलेशन क्या होगा ई e और बी का रिलेशन क्या होगा ठीक है अब ऐसे समझो मान लो कि पांच पर्सन से पी क्यू आर एस और टी एक स्टेटमेंट हमारा बता रहा है पी और क्यू के बारे में दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है हमें आर और एस के बारे में और तीसरा बता रहा है आर और टी के बारे में ओके okay? और क्वेश्चन हमसे पूछे कि क्यू टी का रिलेशन क्या है क्यू का टी से या फिर टी का क्यू से किसी भी का भी पूछ ले तो हमें क्यू से टी तक जाना है पर्पज हमारा क्या है ऐसे किसी भी केस में हमें क्यू से टी तक जाना है या टी से क्यू तक आ जाओ तो क्यू और टी को कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पहला बता रहा है पी और क्यू के बारे में ठीक है पहला बता रहा है पी और क्यू के, के बारे में दूसरा बता रहे और अच्छा एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं पी और टी के बारे में ठीक है एक और स्टेटमेंट हमने ऐड कर दिया अब हमें क्यू और टी को कनेक्ट करना है किसी तरह से तो हम देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहा है पी और क्यू को और चौथा कनेक्ट कर रहा है पी और टी को तो हम पी से क्यू और टी दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं भाई क्यू पी से भी कनेक्टेड है और क्यू टी से भी कनेक्टेड है यानी कि हमें क्यू और टी का रिलेशन कैसे मिल जाएगा फर्स्ट और फोर्थ को यूज करके मिल जाएगा फर्स्ट और फोर्थ को यूज करके मिल जाएगा और किसी तरह से तो नहीं मिलेगा ठीक है और किसी तरह से तो नहीं मिल पाएगा क्या बात समझ में आती है ठीक है ओके okay. तो सिमिलर चीज हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि ई e और बी को अगर कनेक्ट करना है तो ई e से बी का कनेक्शन कितने मिनिमम स्टेटमेंट से बन सकता है ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी तो चाहे ई e से स्टार्ट करो या बी से स्टार्ट करो हम ई e से स्टार्ट करते हैं ई e हमारा कहां मेंशन है स्टेटमेंट थ्री में है स्टेटमेंट थ्री में है और कहीं भी नहीं यानी स्टेटमेंट थ्री तो जरूरी है नेसेसरी है इसके बिना कैसे हम सॉल्व करेंगे जब ई e और बी का रिलेशन चाहिए और ई e मेंशन है हमारा स्टेटमेंट थ्री में ठीक ऐसे ही बी कहा मेंशन है बी स्टेटमेंट वन में मेंशन है तो स्टेटमेंट वन भी नेसेसरी हो जाएगा क्योंकि कहीं भी और पे बी का जिक्र नहीं है बी इज नॉट मेंशन एनी अदर स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट वन और थ्री तो पक्की बात है कि जरूरी है नेसेसरी है उनके बिना तो सॉल्व नहीं हो सकता ठीक है अब स्टेटमेंट वन कनेक्ट करता है बी को ए से स्टेटमेंट थ्री कनेक्ट करता है ई e को डी से ठीक है e ई को डी से कनेक्ट करता है थ्री अब डी कहाँ पे आ रहा है और डी आ रहा है स्टेटमेंट टू में टू में डी कनेक्ट हो रहा है सी से यानी कि ई से डी का कनेक्शन बन गया क्या रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट कनेक्शन बन गया है वो इंपॉर्टेंट है डी से सी का कनेक्शन बन गया थ्री और टू को यूज करके और फिर सी अपना कहां पे आ रहा है सी आ रहा है फोर्थ में सी और ए को कनेक्ट किया यानी कि सी से कनेक्ट कर दिया ए को फोर्थ स्टेटमेंट को यूज करके लेकिन अभी भी हम ई e से बी तक नहीं पहुंच पाए तो अब पहला स्टेटमेंट साथ में लोगे तभी पता चलेगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट ए और बी को भी कनेक्ट करता है तो ई से बी तक का पूरा हमारा थ्रेड कंप्लीट हो गया यानी कि चारों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा ऑल फोर टुगेदर आर नीडेड ठीक है तुम बी से भी जाते तब भी यही स्टोरी होता क्योंकि तो पहला स्टेटमेंट बी और ए को बता रहा है तो बी से ए पे पहुंचे अब ए और सी को यूज करना है तो अब चौथा स्टेटमेंट यूज करोगे ए से सी पे पहुंच गए फिर सी और डी को कनेक्ट करता है दूसरा स्टेटमेंट तो तुम सी से डी पे पहुंच गए और फिर डी और ई को कनेक्ट करेगा तुम्हारा तीसरा स्टेटमेंट तो ई पे पहुंचोगे फाइनली बी से ई तक चारों स्टेटमेंट को यूज करके यानी चारों स्टेटमेंट तुम्हें यूज करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं करना है तुम्हें रिलेशन बताना नहीं है तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि रिलेशन कितने स्टेटमेंट को यूज करके आ जाएगा मिनिमम कितने स्टेटमेंट को यूज करके कर आ गया तो हमारा आंसर है सारे स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे क्लियर है सोल्व कर लेते हैं बट एक्चुअल में एग्जाम में तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे सिर्फ कनेक्शन देखोगे सिर्फ कनेक्शन देखोगे और कनेक्शन तुमको फट से दिख रहा है फट से दिख रहा है ई से डी पे गए ई स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है डी से सी पे गए करना पड़ेगा क्योंकि डी से सी और कहीं पे तुम्हारा डी को डायरेक्टली बी से कनेक्ट कर नहीं सकते तो ये भी करना पड़ेगा फिर सी और ए ये भी कंपलसरी है क्योंकि कहीं भी और से यूज़ करके कैसे करोगे और फिर ए से बी यानी कि चारों सेट में यूज़ करने पड़ेंगे सॉल्व हो गया ठीक है जस्ट इन केस अगर हमें आंसर निकालना होता ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया होता है ये बजाय की डेटा सफिशियंसी के तब कैसे सॉल्व करते है? तो सॉल्व कर लेते हैं उस तरह से भी ठीक है एजम्शन हम ये लेंगे कि मेल के लिए लिखेंगे प्लस साइन फीमेल के लिए लिखेंगे माइनस साइन ठीक है और ब्रदर सिस्टर के लिए स्ट्रेट लाइन और एरो बनाएंगे फॉर मैरिड कपल और वर्टिकल एरो बनाए वर्टिकल बनाएंगे जबकि हम एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जा रहे हैं यानी कि फादर और सन को कनेक्ट करेंगे तो वर्टिकल एरो बनाएंगे तो स्टेटमेंट थ्री कह रहा है ई इज डी सन डी का सन कौन है ई e है और ई e सन है यानी कि ई e एक मेल है डी के बारे में नहीं पता तो अभी डी को मार्क नहीं करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है डी इज फादर ऑफ सी और अगर डी सी का फादर है यानी कि डी भी मेल है क्योंकि तो फादर है और सी का फादर है सी के बारे में नहीं पता लेकिन अगर सी का भी फादर ई का भी फादर है तो सी या तो ब्रदर होगा ई का या सिस्टर होगा यानी भाई या बहन में से कोई एक होगा फिर ए और सी दोनों सिस्टर्स हैं और अगर दोनों सिस्टर्स हैं यानी कि ए और सी दोनों ही ए भी डी की डॉटर होगी और दोनों फीमेल है नेगेटिव साइन आ जाएगा और अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए एंड बी आर मैरिड कपल तो ए और बी अगर मैरिड कपल है यानी कि बी मेल होगा ठीक है और अब हमें किसको कनेक्ट करना था ई e और बी को तो ई e और बी का कनेक्शन बन गया है ई e बेसिकली क्या हो जाएगा ई इज ब्रदर इन लॉ ये हो जाएगा ब्रदर इन ऑफ बी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इज चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स कौन सा ग्रुप दूसरों से अलग है डिफरेंट है पहला ग्रुप है सेवनटीन थर्टी सेवन फोर्टी सेवन नाइनटी सेवन लास्ट में सेवन भी आ रहा है और एक और बात है ये सेवनटीन प्राइम नंबर है थर्टी सेवन प्राइम नंबर है फोर्टी सेवन भी प्राइम है अभाज्य जी संख्याएं सारी की सारी 97 सेवन भी प्राइम नंबर है ऑल आर प्राइम तो या तो प्राइम का चक्कर है या कुछ और चक्कर है थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी थ्री सेवन ये भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी थ्री सिक्सटी सेवन ये भी सबके सब प्राइम्स है यहाँ भी प्राइम है यहाँ भी सारे प्राइम है सेवनटी वन सेवनटी थ्री नाइन एटी थ्री ये भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं ठीक है और यहाँ पे आ रहा है एटी थ्री एटी नाइन वन नाइनटी सेवन तो एटी थ्री प्राइम है एटी नाइन प्राइम है नाइनटी वन प्राइम नहीं है ये कॉम्पोजिट नंबर है थर्टीन इंटू सेवन है

स्टैंड टू से फोर में गए टू एड किया फोर से वन से टू टू से फोर फोर से अगला आएगा प्लस फोर इलेवंथ को दो रिंग ठीक है फिर उसका अगला कौन सा आएगा इलेवन प्लस फाइव सिक्सटीन आएगा फिर उसका अगला सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू आएगा और फिर अगला आएगा ट्वेंटी टू प्लस सेवन यानी ट्वेंटी नाइन आएगा और फिर नेक्स्ट आएगा ट्वेंटी नाइन प्लस एट यानी कि थर्टी सेवन आएगा ठीक है और जो नंबर आ रहा है हमारा उतनी बार हम रिंग पास कर रहे हैं उतनी बार हम रिंग पास कर रहे हैं प्लस वन यानी कि पहला चेंज दूसरा चेंज तीसरा चेंज चौथा तो चेंज पाँचवा चेंज तो टोटल टो आठ चेंज हो चुके हैं फिर थर्टी सेवन में नाइन नाएं ऐड करोगे प्रॉब्लम यह है जैसे ही नाइन नाएं ऐड करोगे तो तुम्हारा नंबर फोर्टी से बड़ा आ जाएगा फोर्टी से बड़ा आ जाएगा है कि नहीं और टोटल टो बच्चे हमारे तो फोर्टी हैं फोर्टी चिल्ड्रन है तो क्या करेंगे जैसे ही फोर्टी कंप्लीट हो जाएंगे जैसे ही तुम वन से लेकर फोर्टी पर पहुंच जाओगे जैसे मान लो कि तुमने फाइव नंबर लिए होते ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब वन से गए तुम टू पे ठीक है टू दूसरा नंबर है फ्री तीसरा नंबर है फोर चौथा नंबर है फाइव पांचवा नंबर है फाइव का छठा नंबर कौन सा है वापस वन है छठा नंबर वापस वन है और छठा नंबर मतलब क्या हुआ फाइव प्लस वन नंबर ठीक है फिर ग्यारहवा नंबर भी यानी टेन प्लस वन नंबर भी वन ही होगा ठीक है तो जैसे ही हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से सर्कल जीरो से स्टार्ट हो जाएगा पहले नंबर से स्टार्ट हो जाएगा तो यहां भी हमें वही करना है कि जैसे ही हमारा नंबर आ जा रहा है फोर्टी से बड़ा तो फिर हम फोर्टी सब कर देंगे उसमें से बिकॉज एक साइकिल कंप्लीट होगी ठीक है तो प्लस नाइन आ रहा है फोर्टी तो नंबर क्या होगा फोर्टी सब करोगे इसमें क्योंकि फोर्टी ही चिल्ड्रेन है तो माइनस फोर्ट करोगे यानी कि सिक्स नंबर आ रहा है सिक्स नंबर वाले बच्चे को रिंग मिलेगी अगले अब ऐड करोगे कितना ऐड अगला कितना करोगे नाइन ऐड किया था टेन ऐड करोगे तो सिक्स प्लस टेन आएगा 16 सिक्सटीन प्लस इलेवन आएगा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेल्व आएगा ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेल्व आएगा थर्टी नाइन और थर्टी नाइन में प्लस थर्टीन करोगे कितना आएगा फिफ्टी टू आ जाएगा बट फिफ्टी टू तो बच्चे ही नहीं है तो माइनस फोर्टी करोगे रिजल्ट कितना आएगा रिजल्ट आएगा ट्वेल्व ट्वेल्व आया अब ट्वेल्व में कितना ऐड करोगे तुम ऐड करोगे ट्वेल्व प्लस फोर्टी आएगा ट्वेंटी और फिर ट्वेंटी ही है टोटल बच्चे तो यानी कि वन रिजल्ट आ गया यानी वापस से तुम्हारा जहां से तुमने शुरू किया, तुम किया था तो वहां पहुंच गए कब पहुंचे फिफ्टी चेंजेस के बाद में पहुंचे ठीक है हमने वन से ही पहले चेंज में वन ही ऐड किया था तो फिफ्टीन चेंजेस टोटल हुए ठीक है अगर पहले चेंज में टू ऐड किया होता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स होता है लास्ट में फिफ्टीन आता है यहाँ पे क्या है फिफ्टीन चेंजेस है आंसर ऑप्शन बी क्या ही बात क्लियर है ठीक है और अगर ये बहुत लंबा सीक्वेंस होता है यानी कि हो सकता है पचास चेंज साठ चेंज तब तो मैनुअली नहीं कर पाते तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं मैथ के पोर्शन में भी एक बार डिस्कस करूंगा तो वहां पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझेंगे हालांकि वो तरीका थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ये तरीका जब नंबर छोटा है हमारा जैसे कि चेंजेस फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन है तो मैनुअली करके भी कर सकते हैं ठीक है जब नंबर बड़ा आएगा तो फिर इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो तरीका भी समझ में आना चाहिए उसको हम एक बार सेपरेटली मैथ वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं आई बिलीव सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन तुमको समझ में आएंगे सारे अप्रोचेस क्लियर हुए होंगे कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना अगर सेशन पसंद आया तो अपना अप्रिसियन और फीडबैक भी जरूर देना साथ में कमेंट जरूर मेंशन करना और सेशन को लाइक like भी जरूर करना है अगर अब तक तुमने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो ए डी आई टाई ए के टी माइनमस आदित कुमार दट इज ऑल फॉर दिस सेशन Bye bye, take care, keep learning.